पानीपत शहर में रविवार को सीएम की शव यात्रा निकालकर उनका दाह संस्कार किया गया। यह प्रदर्शन नवीन जयहिंद को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने के विरोध में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान राम रतन शर्मा ने की। उनके नेतृत्व में करीब 125 लोग इकट्ठा हुए। स्काईलार्क के सामने पुल के नीचे हरियाणा सरकार की शव यात्रा निकाली गई। सामान्य अस्पताल के सामने पुल के नीचे से वापस मुड़कर सभी लोग लघु सचिवालय के सामने पहुंचे, जहां वीआईपी गेट के सामने शव रूपी पुतले को जलाया गया। इस अवसर पर रामरतन शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने पर नवीन जयहिंद के ऊपर केस दर्ज किया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है, जो कि सरासर गलत और अन्यायपूर्ण है। इसके विरोध में ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ है। भाई साहब, इन्होंने हमारे क्रांतिकारी नेता को, 36 बिरादरी के होने वाले साथी को, जो 36 बिरादरी की आवाज़ उठाता है, जो इस देश में बेटी की, रोटी की, जानवर की, गौ माता की, रोजगार की, सब की आवाज़ उठाता है, उसको षड्यंत्र के तहत जेल में करने का काम किया है। और मुझे अंदेशा है इस सरकार से, कहीं ये सरकार जी इतनी कायर है, मुझे खतरा है कि कहीं हमारे भाई के ऊपर जेल में कोई ना कोई ये ऐसी दुर्घटना ना घटा दे। तो मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, अगर जेल से उसकी एक छींक भी निकली तो ये समाज बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भाई साहब, आज जो पुत्र, उसके बाद आगे का क्या रुख रहने वाला है? आगे की प्रत्येक हरियाणा के प्रत्येक जिले में ऐसे ही करेंगे, फिर विधानसभा में करेंगे, फिर गाँव तक जाएंगे। भाई साहब, एक गली तक जाएंगे इस सरकार को, अगर या तो नवीन भाई को ये छोड़ दे, या तो उसको छोड़ दे, नहीं तो इस सरकार का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। भाई साहब, मैं राम रतन शर्मा, प्रधान ब्राह्मण समाज पानीपत। भाई साहब,